अब इस हिंसक पशु को मेरे हाथों मरने से कोई नहीं बचा सकता। कैसी कायर तुम्हारी बातें कर रहे हो लोहा सिंह, क्या तुम भूल गए कि रूपनगर में तुम सबसे अधिक बलशाली हो? अरे वो हमें क्या वेतन देंगे कलावती जी, उनके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए हम दोनों ने उन्हें कुछ दिनों का समय और दे दिया है। आखिर कब तक वो मायावी शक्ति हमारी दृष्टि से ओझल रहेगी? हम किसी भी बाहरी शक्ति को अपने राज्य में सहन नहीं कर सकते। मुझे पूरा भरोसा है रणवीर सिंह से पूर्व हमें सफलता मिलेगी। हमें तुम पर पूरा भरोसा है अभिमन्यु, वो तुम्हारी सहायता भी करेंगे और स्वयं ही तुम्हें रूपनगर की सीमा पर पहुंचा देंगे। मुझे पहली बार किसी ने सही मार्गदर्शन दिया है। आप एक साधारण मनुष्य नहीं हैं, विराजिए आइए, आपके आ जाने से हमारा ये तांत्रिक मठ पवित्र हो चुका है, आइए। क्या हुआ पवन? पवन मैं कह रहा हूं चल पवन। राजकुमारी चंद्रमुखी को पाने की लालसा में यहाँ पर आए हो, लौट जाओ नहीं तो तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। एक बार आगे बढ़ने के बाद मैं पलट कर नहीं देखता, मेरा लक्ष्य चंद्रमुखी को पाना नहीं है, इसलिए मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। देखने में ये युवराज कहीं से भी कोई मायावी शक्ति नहीं लगता है, समझ में नहीं आ रहा है ये यही मायावी शक्ति है अथवा कोई साधारण मनुष्य, इसकी परीक्षा लेनी होगी। क्या सोच रही हो, मेरे पद से हट जाओ, मुझे शीघ्र से शीघ्र रूपनगर पहुंचना है। रूपनगर पहुंचने से पहले तुम्हें मुझे लड़ना होगा, यदि तुम मुझे नहीं हरा सके तो तुम्हारा आगे जाने का स्वप्न चूर चूर हो जाएगा। देखो युवती, मैं स्त्रियों से नहीं लड़ता, मैं अपना लक्ष्य पूर्ण होते ही अपने राज्य वापस लौट जाऊंगा। मेरा विश्वास करो, चंद्रमुखी के फूल के सिवाय मैं रूपनगर से एक सूखा पत्ता भी नहीं उठाऊंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं, मैं तुम्हें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दूंगी, मैं तुम्हारा रक्त इसी जंगल में बहा दूंगी। अगर तुम स्त्री नहीं होती तो मैं अभी तक तुम्हारा रक्त बहा चुका होता। हट जाओ मेरे रास्ते से, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अरे तू क्या मुझे मारेगा? तेरे जैसे हजार अहिंसक पशुओं को मैं समाप्त कर चुकी हूँ, यदि साहस है तो वार कर मुझ पर। युवती, तुमने मुझे हिंसक पशु कहा, मैं अपनी मर्यादा समाप्त करके एक स्त्री पर वार करूंगा। लगता है मेनका से लड़ने वाली ये नई मायावी शक्ति शीघ्र ही परास्त हो जाएगी। अभी ये पता नहीं चला है वो मायावी शक्ति है या साधारण मनुष्य है। ये क्या हो गया,
वो शक्ति तो मेनका पर भारी पड़ रही है। हमसे भी मुकाबला करने को तैयार हो जाओ। क्षमा कर दीजिए, हम समझ गए कि आप महाशक्तिशाली हैं। क्षमा कर दीजिए। मेनका, चलो हमें जल्दी से ये सूचना मंत्रीवर को देनी होगी। नगर के पथ में आने वाले हर संकट को मैं जीत लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, किंतु मैं चंद्रमुखी के राज्य में अवश्य प्रवेश करूंगा। इतना समय बीत गया किंतु हमारी तीनों मायावी शक्तियों की कोई सूचना नहीं आई। समझ में नहीं आता जंगल में क्या हो रहा है, हमें इसकी कोई सूचना क्यों नहीं मिल पा रही है। भाई जी, आप हमें अशुभ संकेत दिखाई देने लगे हैं। लगता है हम पर आक्रमण करने वाली उस मायावी शक्ति ने हमारी सेविकाओं को भी नष्ट कर दिया है। नहीं परमवीर, इस संसार में कोई भी हमारी मायावी शक्तियों को पराजित नहीं कर सकता। देखा, हमने कहा था कोई हमारी मायावी शक्तियों को परास्त नहीं कर सकता। बताओ कौन थी वो मायावी शक्ति जिसने हमारे सैनिकों को मारने का दुस्साहस किया था? कहाँ है उसका रक्त से सना हुआ मस्तक? क्षमा कीजिएगा हुजूर, वो मनुष्य महान शक्तिशाली अवश्य है,
किंतु मायावी नहीं। लड़ते लड़ते उसने हम तीनों को हरा दिया, किंतु वो मनुष्य से पशु नहीं बन पाया था। बनता भी कैसे, वो कोई युवराज है। यदि मायावी शक्ति होता तो हम तीनों को एक साथ आक्रमण करते देखकर हमें डराने के लिए अवश्य किसी हिंसक पशु का रूप धारण कर लेता। तुम तीनों अपनी पराजय छुपाने की चेष्टा कर रही हो। यदि तुमने उसका डटकर मुकाबला किया होता तो अवश्य किसी पशु का रूप धारण कर लेता, परंतु तुम कायरों की भांति वहां से भाग चली आई। यदि हम भागकर अपने प्राण नहीं बचाते तो अभी आपके सामने नहीं आ पाते। उस युवराज का बल और शौर्य इतना अधिक शक्तिशाली था कि उसने हमें किट और पतंग की तरह वायु में उड़ा दिया। पता नहीं उसमें इतनी सारी शक्ति कहां से आई है। एक साधारण मनुष्य ने हमें हरा दिया। अवश्य वो युवराज संसार का अधिक बलवान मनुष्य है। वो बलवान मनुष्य नहीं है ना, बल्कि वो मनुष्य के रूप में कोई भयानक हिंसक शक्ति है। अरे तुम लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा, जबकि मैं कई बार कह चुका हूं कि मैंने उसे स्वयं अपनी आंखों से मनुष्य से हिंसक पशु में परिवर्तित होते हुए देखा है। मूर्ख, लोहा सिंह ठीक कह रहा है, हम दोनों एक साथ धोखा नहीं खा सकते। तुम तीनों के कार्य में कोई खोट रही होगी। हम एक बार फिर कहते हैं कि वो कोई युवराज नहीं बल्कि एक मायावी शक्ति थी। आपस में लड़ते रहने से कोई लाभ नहीं होगा परमवीर। जितना विश्वास हमें तुम पर है उतने ही विश्वास पात्र हमारी ये तीनों सेविकाएं भी हैं। हम अपने आंखों का देखा कैसे झुठला सकते हैं भाई जी। हमने उस पशु को अपनी आंखों से अपने सैनिकों पर आक्रमण करते हुए देखा है। ठीक है, जिसे तुम सब ने देखा है उसे हम भी देखना चाहते हैं। आखिर ये अद्भुत जीव है कौन जिसने रूपनगर की सीमाओं में प्रवेश करने का साहस किया है। कोई ऐसी शक्ति आ गई है जो रणवीर सिंह का सर्वनाश कर देगी, किंतु वो शक्ति है कौन? शीघ्र ही कलावती जी को जाकर सूचित करना होगा। घबराए हुए क्यों? कहीं कोई अनर्थ तो नहीं हुआ है? अनर्थ हुआ है कलावती जी, लेकिन आपका नहीं, उस रणवीर सिंह का। उस रणवीर सिंह के विनाश का समय आ चुका है। शीघ्र ही बताओ, शत्रु के विनाश का समाचार सुनने के लिए हमारी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। बताओ क्या सूचना है? सूचना ये है कलावती जी, चुरूप नगर के जंगल में युवराज प्रवेश कर चुका है। वो आधा मनुष्य और आधा पशु है। क्या, आधा मनुष्य और आधा पशु? कहीं वो वही युवराज तो नहीं जिसके बारे में तुमने हमें बताया था? ठीक पहचाना आपने, ये वही युवराज है जिसे रणवीर सिंह की तीन तीन मायावी शक्तियां भी पराजित नहीं कर सकी। ये जानकर रणवीर सिंह के पैरों तले से धरती खिसक गई। अच्छा हुआ रणवीर सिंह के प्राण नहीं निकले, उन्हें अपने सेविकाओं के शक्तियों पर बहुत घमंड था। रूपनगर के पथ में आने वाले उस महाशक्तिशाली युवराज ने रणवीर सिंह से मिलने से पहले ही उनका आधा घमंड चूर कर दिया होगा। यदि वो युवराज रूपनगर पहुंचने में सफल हो गया तो रणवीर सिंह की रातों की नींदें उड़ जाएंगी। अब ये बताओ, वो नया अद्भुत मायावी युवराज है कौन? वो किस दिशा के राज्य से हमारे राज्य में आया है? ये तो नहीं बता सकता कलावती जी, किंतु ये अवश्य बता सकता हूँ, वो अद्भुत युवराज आपके शत्रुओं के लिए विनाशक होगा। जो भी योद्धा महायोद्धा उस महाशक्तिशाली युवराज के पथ में कांटा बनने का प्रयत्न करेगा, वो उस कांटे को चुभने से पूर्व ही तोड़ देगा। यदि ये सत्य हो गया तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। तुम्हारी इस सूचना से हम अति प्रसन्न है। लो ये छोटा सा उपहार। आपसे बार बार उपहार लेते हुए मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है।
यदि इस पापी पेट का प्रश्न नहीं होता ना, तो मैं आपके इन आभूषणों को हाथ तक नहीं लगाता। तुम अपना जीवन संकट में डालकर सदैव हमारे लिए गुप्त सूचनाएं लाते हो, इसलिए इन उपहारों पर भी तुम्हारा अधिकार है। अब बताओ, रूपनगर की ओर तीव्र गति से बढ़ रहे तीनों युवराजों का उद्देश्य क्या है? क्या वो राजकुमारी चंद्रमुखी को प्राप्त करना चाहते हैं, या उनका कोई और उद्देश्य है? इसका पता भी शीघ्र लगा लूंगा कलावती जी। अभी उन युवराजों को रूपनगर के और समीप आने दो। यदि रणवीर सिंह के जाल से बचकर वो युवराज रूपनगर के महल तक पहुंच गए तो सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। अब आज्ञा हो तो चलो। अब तुम जाओ। हम भी देखते हैं अपने दुष्ट शक्तियों की पराजय को देखकर रणवीर सिंह की हालत क्या हुई होगी। हुजूर, हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमने जो सुना है अभी भी हमें विश्वास नहीं हो रहा है। अब आप आ ही गए हैं तो सच्चाई भी सामने आ जाएगी। कैसी सच्चाई? कौन सी सच्चाई? हम उसी मायावी शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसने रूपनगर के जंगलों में आतंक मचा रखा है। कहिए ना, क्या है वो मायावी शक्ति? कलावती को इस रहस्य का भी पता चल गया। समझ में नहीं आता हमसे पहले हमारे गुप्त रहस्य की सूचना इसे कैसे प्राप्त हो जाती है। हुजूर, आपने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। विश्वास कीजिए हुजूर, हम आपके गुप्त रहस्यों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। कहिए ना, वो शक्ति है क्या? वो कोई मनुष्य है या केवल पशु? तुम्हारे इस व्यर्थ के प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे पास समय नहीं है, और ना ही हम किसी मायावी शक्ति को जानते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर? जिस मायावी शक्ति ने आपके भाई कुंवर परमवीर सिंह, लोहा सिंह और आपकी सारी मायावी सेविकाओं को जंगल से डराकर भगा दिया, उनके बारे में आप कुछ नहीं जानते? कलावती को इस रहस्य का भी पता चल गया। हमें क्रोध तो इतना आ रहा है कि फांसी के फंदे पर लटकाकर इसे समाप्त कर दे, किंतु हम विवश हैं। हुजूर, आप बार बार चुप क्यों हो जाते हैं? लगता है आप पर कोई घोर संकट आया है, पर आप हमसे छिपा रहे हैं। कुछ तो बताइए, हो सकता है हम आपके कुछ काम आ जाए। तुम्हें हमारी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ सकते हैं, और वैसे भी हमने तुम्हें कभी बीच में पड़ने के लिए नहीं कहा था। आपने नहीं कहा था तो क्या हुआ? किंतु आपको संकट में देखकर हम स्वयं को नहीं रोक पाए। भले ही महल के अंदर हमारे बीच कितनी ही अनबन क्यों न हो, किंतु बाहर की शक्तियों से हमें मिलकर मुकाबला करना चाहिए। कहे तो आपकी कुछ सहायता करें। हम अपनी सहायता करने में स्वयं सक्षम हैं। हम कभी स्त्रियों की सहायता नहीं लेते। यदि तुम अपनी भी सहायता कर सको तो हमें अति प्रसन्नता होगी। झूठ मत बोलिए, आप हमारी सहायता लेते समय आनाकानी कर रहे हैं, परंतु आपकी मायावी शक्तियाँ सदैव आपकी कुछ न कुछ सहायता करती रहती है। क्या उन युक्तियों से सहायता लेते समय आपको संकोच नहीं होता? कलावती, इस समय हमें अति महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करने हैं, इसलिए तुम्हारी किसी भी बात का उत्तर नहीं दे सकते। जब समय आएगा तो तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिल जाएंगे। आज रणवीर सिंह हमारे आगे इतने विवश हो गए कि हमारे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। सरकार, अब रात ज्यादा हो गई है और अंधकार भी बढ़ गया है। अब इस अंधकार में आगे बढ़ना संकट को न्योता देने के समान है, और वैसे भी जंगली पशु पक्षी अपने अपने भोजन की खोज में इधर उधर भटकने निकले होंगे। कहीं ऐसा ना हो सरकार कि हम किसी जंगली पशु का भोजन बन जाएं। सरावर, यदि तुम इसी प्रकार डरते रहे तो हम स्वयं तुम्हें मारकर किसी जंगली पशु का भोजन बना देंगे। हम स्वयं विश्राम के लिए कोई सुरक्षित स्थान खोज रहे हैं, तब तक चुपचाप आगे बढ़ते रहो। सरकार,
अब इससे सुरक्षित स्थान और कहाँ मिलेगा? यहीं रात भर विश्राम करते हैं, सवेरे यहाँ से निकलेंगे तो हमारे लिए हित में होगा। वैसे भी आगे से पशु पक्षियों के गुर्राने की तीव्र आवाज तीव्र गति से आ रही है। ठीक है सुरावर, तुम इतना कह रहे हो तो हम भी यहीं कहीं विश्राम कर लेते हैं। वैसे भी हम थक बहुत गए हैं, लेकिन सुबह सूर्य की पहली किरण निकलते ही हम राजकुमारी चंद्रमुखी के राज्य की ओर कूच करेंगे। अवश्य करेंगे, यही रात्रि विश्राम करते हैं। सरकार सरकार, अच्छा हुआ जो आपने मेरा आग्रह नहीं ठुकराया, अन्यथा इस प्रकार रात्रि में अंधकार में आगे बढ़ना संकट को न्योता देने के समान था। सरकार, रूपनगर के इस जंगल के बारे में जितना मैंने सुना था, ये तो उससे भी भयानक निकला। जिधर देखो मायावी शक्तियां, जिधर देखो मृत्यु। पता नहीं कब पहुंचेंगे हम रूपनगर। सरकार, नहीं जोरावर, हमें लगता है कि हम राजकुमारी चंद्रमुखी के राज्य की बहुत समीप पहुंच चुके। तुम्हें याद है जब हम इस जंगल में आए थे तो एक भी पशु पक्षी की आवाज तक नहीं आती थी, और अब जैसे जैसे हम रूपनगर के समीप पहुंच रहे हैं आवाजें तीव्र गति से आने लगी हैं। हमें लगता है कि बहुत शीघ्र तुम्हें तुम्हारी महारानी राजकुमारी चंद्रमुखी के दर्शन होने वाले हैं। शीश का मनुष्य, एक हाथ में मशाल और एक हाथ में तलवार, ये क्या हो रहा है सोनावर? मुझे क्या पता सरकार, मुझे तो कोई मनुष्य नहीं, अभी तो प्रेत दिखाई देता है। हम अंधेरे में इस जंगल में कहीं भाग भी नहीं सकते सरकार, यही चुप जाइए। चुप हो जाओ, सांस बंद करके बैठे रहो, वो तो हमारी ओर चला रहा है। कहीं उसके हाथ लग गए तो तुम कभी अलकापुरी नहीं पहुंच पाओगे। यहाँ मनुष्यों की गंध आ रही है, अवश्य ही यहाँ कोई मनुष्य छुपा हुआ है। ये गंध तो और भी तीव्र होती जा रही है। यहाँ एक नहीं, एक से अधिक मनुष्य छुपे होने चाहिए। ये मनुष्य मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? काश मुझे मेरा मस्तक मिल जाता तो इसी क्षण मैं उन्हें मौन के तांत्रिक भैरवनाथ को सौंप देता। कुत्ते, मुझे लगा मनुष्य। चला गया, लगता है हमारे भाग्य प्रबल है। यदि उस विचित्र प्रेत को हमारा आभास हो गया होता तो तुम भी उसी की तरह बिना शीश इस वन में जिंदगी भर भटकते रहते। शीघ्र निकल चलो, कहीं वापस ना आ जाए। सरकार बाकी, सरकार न जाने कौन से जन्म में कौन सा पुण्य कार्य किया था जो आज हमारे प्राण बच गए।
यदि उस मस्तक विहीन प्रेत ने हमें देख लिया होता तो हमारा कटा हुआ मस्तक किसी भैरवनाथ के चरणों में पड़ा होता। हाँ जोरावर, तुम ठीक कह रहे हो। वो प्रेत कह रहा था कि यदि हम उसे मिल जाते तो वो हमारे शीश काट कर किसी भैरवनाथ को सौंप देता, परंतु हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो तांत्रिक भैरवनाथ इतने सारे मस्तकों से कौन सा जादू तोने करता होगा। अब उसकी चिंता छोड़िए सरकार, अभी तू अपने प्राणों की चिंता कीजिए। इस भयानक मायावी जंगल में न जाने कैसे कैसे जीव जंतु, कैसे कैसे मायावी शक्तियां घूम रही हैं। सरकार सरकार मेरा आग्रह मत ठुकराइए, अब लौट चलिए, अपने राज्य लौट चलिए। सरकार तो फिर कायरों की भांति बातें करने लग गए। लगता है कि इस जन्म में तुम हमारे सेनापति कभी नहीं बन सकते। तुम शायद भूल गए हो कि सारे विश्व में युवराज भानु प्रताप सिंह जैसा महाबली और कोई नहीं है। उस आधे अधूरे प्रेत की शक्ति के सामने तुम अपने दाता की शक्ति को भूल गए। मैं कुछ नहीं बोला सरकार, उस मस्तक विहीन प्रेत ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, मुझसे सब कुछ भुला दिया। मुझे तो केवल इतना याद है कि इस रूपनगर के जंगल के बारे में मैंने जितना सुना था उससे भी भयानक भयानक जीव जंतुओं को मैंने यहाँ देख लिया। सरकार सरकार मेरी मानिए, तो यहाँ से लौट चलिए, मैं आपको मरता हुआ नहीं देख सकता। चुप रहो, अब जरूर बकते रहते हो। याद रखना कि हमें मृत्यु आने से पहले हम तुम्हारा क्रियाकर्म कर चुके होंगे। हमें यकीन है कि पिछले चरम में अवश्य तुम गिरगिट की योनि में रहे हो। पहले तो तुम हमसे कह रहे थे कि बिना राजकुमारी चंद्रमुखी को लिए हम कभी नहीं लौटेंगे, और अब तुम हमें लौटने के लिए विवश करते जा रहे हो। सरकार मुझे क्या पता था कि ऐसे ऐसे विचित्र जीव जंतुओं को इस रूपनगर के जंगल में देखने मिलेगा, जिनके मस्तक नहीं है उनके हाथ में मशाल जलती हुई देखने को मिलेगी। सरकार मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब उसका मस्तक ही नहीं था तो वो मशाल जलाकर कौन से नेत्रों से देख रहा था। सरकार लौट चलिए, सरकार वो कभी भी आकर हमारे प्राण ले सकता है। हमारे नहीं सोरावर, किंतु तुम्हारे, और वो भी वो मस्तकहीन प्रेत नहीं लेगा। यदि इसी भांति तुम हमें डराते रहे तो हम स्वयं तुम्हारा मस्तक काट कर यही फेंक देंगे। सरकार क्या आपने भी पायलों की जानकार सुनी? हाँ सुरावर, ऐसा प्रतीत होता है जैसे दूर कोई कन्या पायल बांधे चली जा रही है। कहीं वो राजकुमारी चंद्रमुखी तो नहीं? सरकार अब राजकुमारी चंद्रमुखी जी पायल बांधकर कौन सा तांडव करने वाली है? मेरा मतलब है सरकार, ये कौन सा नया संकट हमारे ऊपर गिरने वाला है? सरकार मुझे तो लगता है कि वो सर कटा हुआ प्रेत अपने पैरों में पायल बांध के छम छम नाच रहा है। सरकार मुझे तो बचपन में सुनी हुई कहानी सत्य होती नजर आ रही है। जब कोई प्रेत आत्मा किसी मनुष्य के प्राण लेती है ना, तो वो अपने पैरों में पायल बांध के चम 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 नाचती है, और फिर मनुष्य के प्राण ले लेती है। सरकार चुप रहो सरावर, ऐसे अंधविश्वास पर यकीन मत करो। चलो चलकर देखते हैं कि वो कौन है। पढ़ो।
वो देखो, वो सुंदर कन्या पैरों में पायल बांधे इस जंगल में भटक रही है। हमारा कहा सत्य हो गया। हाँ सरकार, आपका कहा हुआ सत्य तो हो गया, किंतु ये कैसे मान ले कि वो मनुष्य ही होगी? मनुष्य ही होगी? हमें दिखाई पड़ रहा है कि वो मनुष्य ही है। और यदि तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा तो चलो चलकर उसी से पूछ लेते। नहीं, आप कह रहे हो तो मनुष्य ही होगी, तो क्या हम लौट चले सरकार? नहीं, हमें उस युवती से मिलना होगा। यदि वो राजकुमारी चंद्रमुखी नहीं भी है तो क्या पता कि वो राजकुमारी चंद्रमुखी के राज्य का पता जानती है। चलो। वो कौन आ गया? वो कौन आ गया ये तो पता नहीं सरकार, किंतु इतना पता चल गया है कि वो जो कोई भी हो हम पर घोर संकट आने वाला। चुप। सावित्री, क्या बात है? मुझे आधी रात को क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? आज मुझे बहुत प्रसन्नता है। अब मुझे विश्वास होने लगा है कि जल्द ही हम इस भैरवनाथ के श्राप से मुक्त हो जाएंगे। किंतु कैसे सावित्री? क्या उस पाखंडी को हमारी दुर्दशा पर दया आ गई है? क्या उसने हमें मुक्त करने का आश्वासन दिया है? वो पापी भैरवनाथ हमें अपनी इच्छा से क्यों मुक्त करेगा? किंतु उसके इस श्राप से मुक्त होने के लिए मैंने एक पद खोज लिया है। पद खोज लिया? किंतु उस भैरवनाथ ने तो हमारे सारे पद बंद कर दिए। तुमने कौन सा पद खोज लिया सावित्री? मुझे रूपनगर के पद पे एक मनुष्य मिला था जो अपना नाम वनराज बता रहा था। वनराज? सावित्री, क्या ये वनराज हमारी सहायता करेगा? अवश्य करेगा, किंतु वो कोई मनुष्य नहीं है, एक महान शक्ति है। तुम्हें पता है, भैरवनाथ उसे देखते ही उसके चरणों में गिर पड़ा। मैंने बड़ी चतुराई से उसे मनुष्य समझकर भैरवनाथ के मठ पर भेज दिया था, किंतु भैरवनाथ ने उसे मारने के बजाय उसे अपने आसन पर बिठा दिया और उसकी पूजा अर्चना करने लगा। सावित्री, इसका तात्पर्य यह है कि वो महान शक्ति हमें भैरवनाथ के श्राप से मुक्त करा सकती है। अवश्य मुक्त करा देगी, किंतु अभी नहीं। जब वो महान शक्ति अपना कार्य पूर्ण करके रूपनगर से लौटेगी तब हम भैरवनाथ के श्राप से अवश्य मुक्त हो जाएंगे। वनराज नाम की इस महान शक्ति ने मुझे रूपनगर जाते समय वचन दिया है। सावित्री, ईश्वर करे कि वो महान शक्ति अपना लक्ष्य पूर्ण कर ले, जिसे तुमने मनुष्य समझकर भैरवनाथ के मठ पर मरने के लिए भेज दिया था, वही हमें जीवन दान देगा। यदि उसने हमें सर्पयोनि से मुक्ति दिला दी तो हमारा पूरा परिवार जीवन भर उसकी पूजा करेगा, जीवन भर। सोरावर, जिस महाशक्ति वनराज की ये दोनों बातें कर रहे हैं वो और कोई नहीं, हमारा सौतेला भाई ही हो सकता है। आप सत्य कह रहे हैं महाराज। यदि इनकी बातों में सत्यता हुई तो आपका सौतेला भाई वनराज आपसे कोसों दूर निकल गया है। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपसे पहले राजकुमारी का हाथ थाम कर अलकापुरी पहुंच जाए। नहीं, वो रूपनगर राजकुमारी चंद्रमुखी के लिए नहीं, केवल एक फूल के लिए जा रहा है। और यदि वो हमसे पहले पहुंच भी गया तो जब वो लौट रहा होगा हम उसे खोज कर इस वन में उसको मृत्यु देंगे। चाहे कोई तांत्रिक के लिए वो महाशक्ति हो, हम अपने सौतेले भाई को शक्तिहीन बना देंगे।
आपके सामने भला कौन टिक सकता है महाराज? आपके सोचे हुए को तो स्वयं भगवान भी नहीं टाल सकते। तो फिर हम अपनी गति को तीव्र कर देते हैं ताकि हम वनराज से पहले रूपनगर पहुंच जाएं। रूपनगर तो हम पहले पहुंचेंगे, लेकिन उससे पूर्व हम इन दोनों से मिलना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उस तांत्रिक ने इन्हें कौन सा ऐसा श्राप दिया है जो हमारा सौतेला भाई वनराज दूर कर सकता है। इन्हें बुलाओ। हमारे महाराज तुम्हें बुला रहे हैं। आओ, अन्यथा तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। सरदार, सांप। देख रहे हैं डीडी अरुण प्रभा, उत्तर पूर्व भारत की स्वर्णिम आभा।